नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़े ट्रांजैक्शंस अपने आप में करदाताओं के लिए बहुत सारी क्यूरियोसिटी या कभी कभी समस्याएं छुपाए रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस में जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है दोस्तों, उस वॉल्यूम को आईटीआर में रिपोर्ट करना भी किसी भी करदाता के लिए एक आसान विषय नहीं है। और ऐसे में दोस्तों, यदि शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स हो, या जिसे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी कह सकता हूं, तो वो अपने आप में एक चैलेंज का विषय है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं करदाताओं को ज्ञानवर्धन करने के लिए, की सहायता करने के लिए इस विषय में इंट्राडे ट्रेडिंग विषय पर या इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इनकम टैक्स विषय पर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आपके समक्ष आऊं, जिससे आपका बेहतर मार्गदर्शन हो सके। तो आइए दोस्तों, इसी विषय को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस बात से शुरुआत करता हूं, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? आप कहेंगे, अनुप जी मुझे तो इंट्राडे ट्रेडिंग बखूबी आती है कि ये क्या होती है, फिर भी मैं 1 मिनट आपका लूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द सेम डे। दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज डे ट्रेडिंग। कि अगर आप शेयर मार्केट में सवेरे 9:30 बजे खुला शेयर मार्केट, आपने कोई शेयर खरीदा और सेम डे आपने वो शेयर बेच लिया, ये ट्रांजेक्शन दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। अब यदि आपने ऐसा इंट्राडे ट्रांजेक्शन किया है या इंट्राडे ट्रेडिंग की है, तो इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट पर मैं आपको आगे लिए चलता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेदर इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन आर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। हिंदी में बोलूं तो क्या इंट्राडे ट्रांजेक्शन को सट्टे के ट्रांजेक्शन में शामिल किया जाता है या नहीं? अब सट्टा जो वर्ड है दोस्तों, वो किसी भी एक करदाता के लिए बहुत कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, रादर नेगेटिव वर्ड है। कि अगर कोई कहे कि आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो किसी को भी ये वर्ड सुनना, ये शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं इनकम टैक्स लॉ की दृष्टि से देख रहा हूं कि क्या इनकम टैक्स एक्ट इंट्राडे ट्रांजेक्शन को दोस्तों स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मानता है या नहीं मानता। तो अपनी बात को और प्रबल तरीके से, अच्छे तरीके से रखने के लिए आपके सामने सेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस लेता हूं, जो बिजनेस प्रोफेशन से जुड़ी कुछ टर्म्स को, कुछ शब्दों को परिभाषित करता है। और उसी के क्लॉज 5 में स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के लिए कहा गया, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन। ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात पर, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने अभी बोला था इंट्राडे ट्रेडिंग की एक परिभाषा तो नहीं कह सकता, उसको समझने के लिए, कि जहां पर आपने सेम डे शेयर खरीदा, सेम डे शेयर बेचा, तो ऐसे ट्रांजेक्शन में शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएगा ही नहीं। और जब शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आया ही नहीं डिलीवरी के लिए, ना तो खरीदते समय ना बेचते समय आपने डिलीवरी दी, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इंट्राडे ट्रांजेक्शन 100% स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए दोस्तों, चाहे आपको ये शब्द अच्छा लगे या ना लगे, परंतु इंट्राडे ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में ही माना जाएगा। ऐसा मैं बात आपके सामने रखता हूं। अब दोस्तों, इस बात पर चर्चा करता हूं कि अगर मान लीजिए आपने कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करी और आपको उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप उस लॉस या प्रॉफिट को कौन से हेड में रिपोर्ट करना चाहेंगे? कि एक तो है रिपोर्ट करना चाहेंगे और एक है रिपोर्ट करना चाहिए। तो आपको दोनों बातों का यहां पर ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करता हूं कि आप मोस्ट प्रोबेबली चाहेंगे कि भाटिया जी क्या हो गया, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, तो क्यों ना मैं उसे कैपिटल गेन में ऑफर कर दूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ये तो शॉर्ट टर्म गेन है, 15% टैक्स रेट देके निकल जाना चाहे। मेरा मानना है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो फिर आप कहेंगे, अनुप जी इसका मतलब आप उसे बिजनेस प्रोफेशन का ट्रांजेक्शन मानेंगे? यस सर, मेरी ओपिनियन में तो वो बिजनेस प्रोफेशन का ट्रांजेक्शन ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अनुप जी मान लीजिए मैंने साल में 4-5 ही ट्रांजेक्शन किए और इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे कुछ छोटा मोटा 3-4 हजार, 5 हजार, 20 हजार का इनकम हो गया, तो क्यों ना मैं उसे अदर सोर्स की इनकम दिखा दूं? तो मैं मना नहीं करूंगा साहब कि आप 3-4 या छोटे मोटे ट्रांजेक्शन की, इंट्राडे ट्रेडिंग की एक्टिविटी की इनकम को अदर सोर्स में नहीं दिखा सकते। मेरी ओपिनियन में इंट्राडे ट्रेडिंग की
बहुत छोटी सी अगर कोई आय हो तो उसे अदर सोर्स की इनकम माना जा सकता है। लेकिन यदि वॉल्यूम्स है, यानी आपने काफी इंट्राडे के ट्रांजेक्शन किए हैं, तो उसे तो दोस्तों स्पेकुलेटिव बिजनेस ही माना जाना चाहिए, और अकॉर्डिंगली बिजनेस प्रोफेशन हेड के रूप में इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग किसी व्यक्ति ने करी तो उसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टर्नओवर का इंपैक्ट क्या होता है दोस्तों, ये टर्नओवर काम आता है इंट्राडे ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शंस में, क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी इस बात को समझने में। तो यदि मैं इस बात को आपके सामने एक टेबल के रूप में रखूं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने HDFC बैंक के 200 शेयर 20 जुलाई 2023 को 1625 रुपए में खरीदे थे और फिर सेम डे 20 जुलाई 2023 को 1685 रुपए में बेच दिए, तो उनको 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, इसे मैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट मानूंगा। अब उसके जस्ट नेक्स्ट डे उन्होंने TCS के शेयर्स 500 खरीद लिए, 21 जुलाई 2023 को 3375 रुपए की रेट में खरीदे थे और 21 जुलाई को उन्होंने सेम डे वो शेयर 3300 रुपए में बेच दिए। यहां दोस्तों उस करदाता को 37,500 रुपए का नुकसान हो गया। अल्टीमेटली इन दोनों ट्रांजेक्शन में कुल मिलाकर के 25,500 रुपए का लॉस हुआ, जिसे मेरे जैसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेक्युलेटिव लॉस कहेगा या कोई भी टैक्स एक्सपर्ट होगा वो उसे स्पेक्युलेटिव लॉस कहेगा। लेकिन जब बात टर्नओवर की आती है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे एब्सोल्यूट टर्म में आपको टोटल करना है, यानी 12,000 प्लस 37,500, 12,000 प्लस 37,500, सो द टोटल स्पेक्युलेटिव टर्नओवर बिकम्स 49,500। दिस इज हाउ द टर्नओवर इन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन माय डियर फ्रेंड इज डिटरमाइंड। अब आप कहेंगे अरुण जी, अगर आपने मेरे को टर्नओवर कैलकुलेट करना बता ही दिया तो ये भी बता दीजिए कि इंट्राडे ट्रांजेक्शंस पर टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है। दोस्तों इंट्राडे ट्रांजेक्शन पर टैक्स ऑडिट का एक क्राइटेरिया हो सकता है 1 करोड़ प्लस के टर्नओवर पर, और टर्नओवर की कैलकुलेशन का तरीका अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी है। अब मैं जहां तक अपनी सोच रखता हूं, समझ रखता हूं, ये कहूंगा कि साहब आज की डेट में इंट्राडे ट्रांजेक्शन हो चाहे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन हो, सब होते आपके बैंक अकाउंट के थ्रू हैं, और आज की डेट में करदाता कैश अकाउंट में जमा करान करके कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो अगर मैं ये मान लूं कि आपके कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल जिस अकाउंट से आप इंट्राडे कर रहे हैं, मैं उसे बिजनेस अकाउंट अगर एक बार मान लूं, और कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट टोटल विड्रॉल या डिपॉजिट के 5% से ज्यादा रिस्पेक्टिवली नहीं है, तो जब तक आपके स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस का टर्नओवर दोस्तों 10 करोड़ प्लस नहीं हो जाता, तब तक आपको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन एक्टिविटी में किसी प्रकार की टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं। और 10 करोड़ का वॉल्यूम डिसाइड करना दोस्तों, डिटरमाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। तो प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से 99% जो डे ट्रेडर भी होंगे वो भी इस लिमिट के अंदर जनरली नहीं आते। लेकिन हाँ, यदि कोई आता है 10 करोड़ प्लस का उनका टर्नओवर है और उस तरीके से जो मैंने अभी आपके सामने रखा था पहली स्लाइड में, तो आपको फिर टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी। अब बात करता हूं दोस्तों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग लॉसेस, क्योंकि बहुत से लोगों की समस्या तो ये है कि साहब इंट्राडे में बढ़िया जी लॉस लग गया, अब क्या मेरा ये लॉस सेट ऑफ करा सकते हो क्या, क्या इस लॉस को किसी दूसरी स्पेकुलेटिव इनकम से सेम ईयर में सेट ऑफ किया जा सकता है? 100% यस। क्या अगर सेम ईयर में कोई और स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है, कोई दूसरे बिजनेस की आय है, क्या उससे इस इंट्राडे के लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है? 100% नो, 100% नो। और क्या किसी और हेड की इनकम से, यानी डिलीवरी बेस्ड कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन से, सैलरी इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी से, इंटरेस्ट इनकम से इंट्राडे एक्टिविटी के लॉसेस सेट ऑफ किए जा सकते हैं? 100%। यानी स्पेक्युलेटिव लॉसेस दोस्तों केवल स्पेक्युलेटिव गेन से ही एडजस्ट होते हैं और किसी इनकम से एडजस्ट नहीं होते। और अगर आप सेट ऑफ नहीं कर पाए तो ऐसी परिस्थिति में आप टाइमली रिटर्न फाइल करें और उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करें, और कैरी फॉरवर्ड का पीरियड दोस्तों फिर आपको मिलता है नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर। आप अगले 4 साल में अपने इंट्राडे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करें, फिर 4 साल में अगर आपको इंट्राडे का प्रॉफिट है तो उससे इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया।
Which ITR form to be filled if you have intraday trading income? कि intraday trading में आपकी कोई income हुई या loss हुआ तो आपको कौन सा ITR भरना है? दोस्तों अगर मेरी इस बात को मान लिया जाए कि छोटे मोटे ट्रांजेक्शन हैं जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बोला और आप उसे अदर सोर्स की इनकम में रिपोर्ट करना चाहें तो आप ITR 1 भर के भी निकल सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव प्रॉफिट नॉट लॉसेस। और अगर इंट्राडे में आपके पास में प्रॉफिट्स हैं साथ साथ कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन हैं तो दोस्तों आपको उस केस में ITR 2 भरनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल गेन की इनकम तो ITR 2 में ही रिपोर्ट होती है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन तो आप ITR 2 आप पर एप्लीकेबल हो तो उसमें भी इंट्राडे के प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हैं पर अभी भी मैं बिजनेस इनकम के रूप में उसे नहीं देखा। अब अगर आप इंट्राडे एक्टिविटी को बिजनेस इनकम मानते हैं तो बिजनेस इनकम के लिए दोस्तों दो ITR होती हैं ITR 3 और ITR 4। देखिए ITR 4 तो दोस्तों प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है तो ITR 4 स्पेक्युलेटिव बिजनेस के संदर्भ में नहीं भरी जा सकती प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते इंट्राडे ट्रांजेक्शन से हुई इनकम के संदर्भ में। ये थॉट बड़ी क्लियर है आपके सामने और स्पष्ट तरीके से मैंने रख दी। लेकिन अगर आपके पास में स्पेकुलेटिव लॉसेज हैं या गेन है टर्नओवर है आपका ऑडिट एप्लीकेबल है तो सर इंट्राडे ट्रांजेक्शन की इनकम को फिर आपको या लॉस को ITR 3 भर के रिपोर्ट करना चाहिए। और एक बात और अगर आपके पास में लॉसेज हैं दोस्तों तो जो लॉ एक टाइम लिमिट फिक्स करता है कि विद इन सेक्शन 139(1) टाइम लिमिट में रिटर्न भरिए नहीं तो लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करने का राइट खत्म हो जाएगा तो आपको टाइम लिमिट में रिटर्न भरना भी सुनिश्चित करना है नहीं तो आपके लॉसेज कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि एक निवेशक के रूप में यदि आप बाजार में जाते हैं यानी स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो कमाने की संभावना अच्छी है ज्यादा है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर बनकर के ट्रांजेक्शन करते हैं तो जब तक आपको शेयर मार्केट की पकड़ बहुत अच्छी ना हो तब तक आपके लिए डे ट्रेडिंग फायदेमंद सिद्ध होगी ऐसा मैं नहीं मानता। यानी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं जिसे मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरी किसी भी वीडियो में एक सामाजिक विषय या सामाजिक मैसेज भी छुपा होना चाहिए रादर प्रकट होना चाहिए जिससे मैं जनता जनार्दन तक एक काम की बात पहुंचा पाऊं। सर इंट्राडे ट्रेडिंग से बचे ये चाहे ये हो या FNO के ट्रांजेक्शन हो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि इन ट्रांजेक्शन से बचे जब तक आप इन विषय के एक्सपर्ट ना हो और क्योंकि इसमें लॉस लगने की संभावना प्रॉफिट से ज्यादा रहती है इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रांजेक्शंस न करें तो मेरी राय है ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी यदि आपने कोई ट्रांजेक्शन किए हैं तो उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है वो बात मैंने इस वीडियो से आपके समक्ष रखी तो आशा करता हूं दोस्तों इंट्राडे ट्रांजेक्शंस पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए काम की इंपॉर्टेंट सिद्ध रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद खुश रहिए प्रसन्न रहिए धन्यवाद।